आज का जो ब्लॉग है हम ये स्टार्ट करेंगे कुछ सूफी कलाम से, और वो बोला गया है श्री 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 जाकिर खान साहब ने, मर्द को दर्द नहीं होता, होगा लेकिन ठंड लगती है, और आगे का जो है वो सेंसर्ड है। सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल जिसका नाम है तो क्या आप जानते हो कि बाइकर्स जो होते हैं वो कौन सा सीजन प्रेफर करते हैं फॉर राइडिंग? समर्स, नॉट मच। समर्स में बहुत कम लोग निकलते हैं राइड करने के लिए, बिकॉज प्यास बहुत लगती है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है एंड उसके वजह से हॉल्ट जाते होते हैं। उसके बाद होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में भी बहुत कम लोग जाते हैं, बिकॉज रेनी सीजन में होता है क्या कि आपको पूरा रास्ता बारिश मिलती है, और हम जैसे मोटर ब्लॉगर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज कैमरा में पूरा टाइम पानी आता रहता है और पूरा जो इमेज है या जो वीडियो है वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पाता। तो इस वजह से बारिश का सीजन भी लोग अवॉइड करते हैं। और हाँ, स्लिप होने का भी टेंशन रहता है, बिकॉज आप हाईवे पे जब क्रूज करते हो तो हो सकता है बीच में कहीं ऑब्जेक्ट आ जाए और आप सडन ब्रेक मारे तो बाइक स्किड हो। तो इस वजह से बारिश भी बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। थर्ड जो है वो लास्ट जो बचा है वो है विंटर। विंटर और विंटर में बस बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है, क्योंकि विंटर में एकदम ठंडा क्लाइमेट रहता है एंड हवा अंदर जाती है जैकेट के, एकदम अच्छे से सुकून से, एकदम मतलब एकदम सुकून वाला माहौल रहता है। तो इस वजह से चलाने के लिए और मज़ा आती है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस करने के लिए और भी ज़्यादा मज़ा आती है। तो ठंडी में ये होता है गाइस कि हम लोग ठंडी में जैकेट और जो राइडिंग पैंट हम लोग जो पहनते हैं उसके अंदर में होते हैं थर्मल लाइनर्स, और वो थर्मल लाइनर्स के थ्रू हमारी बॉडी अंदर से प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम विंड और या तो फिर फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। अच्छे बचते हैं हमारे हाथ जो कि होते हैं या तो फिर नॉर्मल ग्लव्स में, या तो फिर ऑल वेदर ग्लव्स में, या तो फिर वुलन ग्लव्स में, मतलब जो होता है उनका बना हुआ होता है जो ठंडी से बचने के लिए उसके लिए। सो गाइस, अगर आप नॉर्मल ग्लव्स पहनते हो तो नॉर्मल ग्लव्स में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हाथ पर ठंडी हवा लगने से आपकी फिंगर्स नम होने लग जाती है, एंड देन जो रिजल्ट करता है इनमें कि आपको स्टॉप लेना पड़ता है ताकि थोड़ा हाथ नॉर्मल हो जाए, फिंगर्स नॉर्मल हो जाए। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो काम आता है हमारी बॉडी में वो होता है हाथ फॉर क्लच एंड दिस फॉर द ब्रेक्स और एक्सीलेटर इज लेट, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बचाने का। आप अगर ऑल वेदर ग्लव्स पहनते हो, ऑल वेदर ग्लव्स थोड़ी कॉस्टली आते हैं, मतलब मेरे पास जो है एस्पेडा का वो ऑल वेदर ग्लव्स है और वो आता है ऑलमोस्ट 2600 से स्टार्ट होता है। तो गाइस एस्पेडा का 2600 का, और दूसरे जब ब्रांड्स पे आप जाओगे तो और भी महंगे। गाइस मैंने लाया एक अल्टरनेटिव फॉर माय बाइक, या तो फिर आप और भी सब बाइक्स में लगा सकते हो, जो भी बाइक हो आपके पास उसके ऊपर आप लगा सकते हो, बिकॉज दैट इज अ यूनिवर्सल थिंग। और वो जो चीज़ है वो है ये मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक हीटेड ग्रिप्स फॉर ऑल बाइक्स। ये जनरली हर बाइक में लगेगा, नॉट ओनली डोमिनोज, बेसिकली जितनी भी बाइक्स है सब में। और ये जो है ना हीटेड ग्रिप्स का फीचर, ये आता है सिर्फ और सिर्फ 14 लाख प्लस वाली बाइक्स के अंदर, मतलब ट्रायम टाइगर हो गया फॉर एग्जांपल, ट्रायम टाइगर के अंदर में ये फीचर दिया जाता है हीटेड ग्रिप्स का एंड हीटेड सीट्स का भी। तो ये जो है ये फीचर हम लगाएंगे हमारी डोमिनर में और उसे भी बना देंगे ट्रायम टाइगर के एक फीचर और पास। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, और उसके बाद फिर नीचे जाके बाइक पर करेंगे इंस्टॉलेशन, और आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से किया है मैंने। एंड दी अदर थिंग इज़ कि ये मैंने एक्चुअली परचेज नहीं किया था, ये मेरे फ्रेंड एक वो गए थे चाइना, तो फ्रॉम दे ही बॉट दैट फॉर मी, और उसका लिंक तो मुझे तो पता नहीं कहाँ पर है, बट स्टिल मैं कोई और जो भी वेबसाइट होती है अली एक्सप्रेस या तो बैंगलोर, उसका मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गाइस कुछ इस तरीके से है ये पैकेट, ये है उसकी ब्रांडिंग, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक हीटेड ग्रिप्स हैंडल्स, और अभी चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है। ये है इसके कंटेंट्स, और इसके अंदर में आता है ये दो जो के है रबर ग्रिप्स, मतलब रबर ट्यूब्स, जैसे जो बाइक का ट्यूब आता है वैसे ही ट्यूब्स है ये। ये इसका डायमीटर है 40x20, ओके, एंड दिस इज द इंस्ट्रक्शन, या आप बोल सकते हो कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है, उसका पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो गाइस ये है उसका मेन वर्किंग, और इसके अंदर में है आपको मिलता है हीटिंग इंसुलेटर्स इसके अंदर में, एंड ये एक प्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग में लैमिनेटेड है ऑलरेडी, और ये लगेंगे हमारे ग्रिप्स के ऊपर। और यहाँ पर दिया हुआ है एक स्विच जो कि आप देख सकते हो ऑन ऑफ, और इसमें अलग अलग मोड्स का भी दिया हुआ है, ये ऑफ है, ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया।
गाइस चलिए चलते हैं नीचे और इसका इंस्टॉलेशन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से लगेगा और इसके फायदे। लेट्स गो। सो गाइस कुछ इस तरीके से एक ग्रिप लगेगा यहाँ पर और एक ग्रिप लगेगा यहाँ पर एक्सीलेटर की ग्रिप पे। तो इसे करना क्या है, हमें पहले टेप मारना है तीनों साइड पर, सेंटर में, लास्ट में और एक दूसरे साइड पर, ऐसा करके तीनों साइड पर मारना है। ये हो गया इंस्टॉल। यहाँ पे एक टेप किया है, यहाँ पे एक टेप किया है और यहाँ पे एक टेप किया है। वायर इसके नीचे से यहाँ से जा रहा है। एक्स्ट्रा वायर है जो लटक रहा होगा तो उसे कोई भी एक वायर से आपको टेप कर देना है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। ये जो एक्सीलरेशन वाली ग्रिप है ना, इसको खाली थोड़ा संभालना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वायर है ना, ये जो वायर के अंदर में आप जब एक्सीलेटर देते हो तो ये वायर मूव होता है, आप देख रहे हो ये मूव हो रहा है, तो इसका कुछ इलाज करना है। तो उसके लिए भी एक इलाज है जो कि एक जिप टाई लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो भी काम हो जाएगा। यहाँ का भी आप जैसे देख सकते हो, कॉर्नर में एक टेप किया है, बीच में एक टेप किया है और एकदम क्रिप के नज़दीक में भी एक टेप किया, तो तीनों जगह लग गया। ये एक्स्ट्रा वायर है उसका भी टेपिंग करके दूसरे वायर से ज्वाइन कर करके के बाहर नहीं आए कभी। तो ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप थोड़ा लंबा था, मुझे लगाना है यहाँ पर, नट है इसके ऊपर मुझे लगाना है ये क्लिप, तो इस वजह से इसे थोड़ा छोटा कर रहे हम लोग ताकि बीच में इंटरप्ट नहीं करे कहीं पर। हैंडल पे तो हैंडल ग्रिप्स लग गए, बट अभी मुझे फिट करना है मेन जो पूरा वायरिंग का सर्किट, और उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा हेडलाइट, और अब हेडलाइट ओपन हो रही है। सो गाइस ये जो वायर था इसका, ये वायर इसके थ्रू डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ से निकाला है और यहाँ से सीधा वो गैप दिख रहा है, वो गैप से सीधा यहाँ पर, ये है पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और अभी इसे हम ज्वाइन करेंगे। सो नेगेटिव पॉइंट जो है ये हम लोग डालेंगे इंडिकेटर में, अर्थिंग वायर है जो इसका, और पॉजिटिव जो है ये हम लोग डालेंगे इग्निशन में। तो जैसे ऑन करेंगे इग्निशन तो वहाँ से फिर आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है और ये हीटेड ग्रिप्स काम करना स्टार्ट कर देगी। इसे फिर हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे एक बार कैसे काम कर रहा है। अब इग्निशन ऑन करके चेक करके देखते हैं, ये ऑन किया इग्निशन, इसमें जो मोड्स है हम लोग वन पे रख कर देखते हैं अभी फिलहाल। ये ऑन हो गया और ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है, वन पे रखा है तो नॉर्मल गर्म हो रहा है, अभी थोड़े थोड़े जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा ये स्लो स्लो करके थोड़ा 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 करके और गर्म हो जाएगा। तो गाइस चेक करके भी देख लिया, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, एंड अब करेंगे उसका इंस्टॉलेशन हेडलाइट का फिर से। सो नाउ इट्स टाइम टू ओपन माय नकल गार्ड्स, क्योंकि नकल गार्ड्स के अंदर लगेगी ये ग्रिप जो आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था वीडियो के। अब ग्रिप लग चुकी है, अब हेयर ड्रायर का यूज करके हम लोग, या आपके पास अगर हॉट गन है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, उसके बाद ये ग्रिप है जो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा और हैंडल की जो ग्रिप है ना उसको एकदम पकड़ लेगा प्रॉपरली। और ये ग्रिप हो गया है अभी सेट, पहले था थोड़ा लूज, अब एकदम हो गया है फिट, एकदम टाइट, और अब फिर से नकल गार्ड फिट किया जा रहा है और उसके बाद फिर ये ग्रिप का करेंगे। ये एक्सेलेशन करने से ये मूव होता है वायर, तो इसके लिए इसका कुछ करना पड़ेगा और वो उसका भी इलाज हमारे पास है। सो ये है जिप टाई जो कि मैं लगाने वाला हूँ एकदम एंड में, जहाँ पर जो वायर आता है ना वहाँ पर, सो दैट अगर मैं एक्सेलेट करूँ भी तो ये जो वायर जो सॉल्डर करके किया हुआ रहेगा इसके ऊपर वो टूट नहीं जाए, जितना पार्ट काम में आएगा उतना रखेंगे, बाकी ये कट हो जाएगा।
ये अब ये सेकंड जो ग्रिप मेरा बैलेंस बाकी था वो ग्रिप भी अभी लगा दिया हम लोग ने। अब इसे फिर हमें वापस से हेड रायर इसे मारकर इसे फिट करना है। ये जो ग्रिप है ये इतना लूज होता है, कैन यू सी दैट। अब जब हेड रायर हम लोग करेंगे इसके ऊपर तो एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। सो गाइस मैंने ऑन कर दिया है और ये हीट हो रहा है अभी ग्रिप, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। यू सी दिस वाटर, ये जो मैंने लगाया है अब ये ड्राई हो जाएगा तो इससे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट पूरा सूख गया है, ये पार्ट ही खाली बचा है और अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो गाइस मैं इसे अभी कर रहा हूँ पूरा वेट और अब देखिए कैसे ड्राई हो जाएगा फटाफट। और ये ड्राई हो गया। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा हीटेड ग्रिप्स का क्या काम है। आपको मैं बेसिकली बता दूं, अगर आप समझिए लद्दाख या कहीं पे स्पीति या जहाँ पर भी कोल्ड रीजन है वहाँ पे आप अगर ट्रैवल करते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल है वहाँ पर भी। और यूजुअली आप अगर देखेंगे बॉम्बे में अगर जिस हिसाब से अभी ठंडी हो रही है उसमें अर्ली मॉर्निंग या तो आप लेट नाइट अगर राइड्स पे जाना प्रेफर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा इसमें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड चाओ।